नाउ टुडे इज नोटिफिकेशन टुडे इज़ फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटी पीएचडी है काफ़ी ब्रांच में है बट इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी ऑर्ट सेशन जुलाई 2023 यूनिवर्सिटी का नेम क्या है यार शायद आप लोगों ने सुना होगा इट्स इन हरियाणा दीनबंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो ऐसा नहीं है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस सारे डिपार्टमेंट्स हैं नंबर ऑफ सीट्स बहुत अच्छी हैं और एडमिशन डायरेक्ट है चलो जल्दी से देख लो नैक एक्रिडेटेड है यू यूनिवर्सिटी है स्टेट लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग सेक्शन ट्वेल्व जिसकी की ज़रूरत होती है हमेशा सो दिस इज द प्रोस्पेक्टस और जल्दी से हम इसके अंदर मेन मेन चीज़ देख लेते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि दैट वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दिस एडमिशन और नॉट सो सी द वेरी फर्स्ट वन इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी So if you are a master's degree holder with minimum 55% marks, then you are eligible for this advertisement. Dates are very near. do not forget to skip. otherwise you will left this application. So uh, either you may be masters with 55% or you will be in an MPhil. So MPhil will be carrying your masters bhi got it and they will give a relaxation of 5% Kisco. कैटेगरीज को बट इट्स अ स्टेट यूनिवर्सिटी सो प्लीज़ बी केयरफुल अगर आप हरियाणा स्टेट के नहीं हो देन यू कैनॉट क्लेम द कैटेगरी बिकॉज इट इज अ स्टेट इट इज नॉट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी घॉट इट सो नाउ एज पर द गवर्नमेंट रूल्स यू कैन क्लेम योर कैटेगरी रिजर्वेशन ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम क्या है ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम इज अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ थ्री ईयर्स एज पर द यू जी सी रूल और उसके बाद ये मैक्सिमम सिक्स इयर्स होने वाला है सो नो प्रॉब्लम एट ऑल नाउ कम्स द एडमिशन प्रोसेस व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट सो ये जो नोटिफिकेशन है कई बार दो बार आता है कई बार एक बार आता है बिकॉज जुलाई सेशन और दिसंबर सेशन गॉट इट। सो दीज आर द डिपार्टमेंट्स इन विच द सीट्स आरबल एवेलेबल दिज द पी एच डी स्लॉट द नंबर आर्किटेक्ट एट सीट बायोटेक थ्री बायो मेडिकल सिविल इंजीनियरिंग केमिस्ट्री केमिस्ट्रिक केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग बोथ आर डिफरेंट एनर्जी एंड एंड नोमेंटल स्टडीज कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक साइंस इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ह्यूमैनिटी मैनेजमेंट स्टडीज मैथमेटिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स सो सब में सीट्स हैं कुछ 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 सीट्स हैं सब में आप देख सकते हो नाउ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स विल मे बी चेंज बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट रूम रूल्स बट दे हैव डिक्लेयरड सो दीट्स विल बी दिस uh, सो so, आपका अगर रिलैक्सेशन लेना है ओ के अंदर या किसी भी कैटेगरी के अंदर तो आपको ये रूल ज़रूर पढ़ लेना आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए एन के लिए क्योंकि मे बी स्टेट के रूल डिफरेंट होते हैं और सेंट्रल uh, के रूल डिफरेंट होते हैं दैट्स वाई द सर्टिफिकेट विच यू अप्लाई यू कै नाट अप्लाई देंट्रल ओ बी सी सर्टिफिकेट टू द स्टेट और स्टेट अपने लेजिशन के अकॉर्डिंग आपसे सर्टिफिकेट डिमांड करता है ई डब्ल्यू एस कैटेगरी हो या कोई भी कैटेगरी हो गॉट इट सो दिस इज ऑल अबाउट दैट नाउ द प्री पी एच डी कोर्स वर्क ये होगा आपका डेफिनेट सी बात है नाउ द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इफ यू हैव क्वालिफाइड एनी जे आर एफ और एनी नेशनल लेवल टेस्ट देन यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द एंट्रेंस टेस्ट सो द यूनिवर्सिटी इज कंडक्टिंग एन एंट्रेंस टेस्ट यू हैव टू डू अर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच इज़ एज सिंपल एज दैट तो अभी आपको क्या करना है अगर आपके पास जे आर एफ यू जी सी सी एस और कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का है देन यू विल बी एग्जाम्पेड अगर आपके पास गेट नेट सीड और कोई भी नेशनल लेवल टेस्ट है बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू जैसे वो इंटरव्यू के बेस पर लाइक टीचर्स फेलोशिप अवार्ड होल्डर डी एस टी इंस्पायर आई सी एम आर आई सी एस एस आर सो यू विल बी एग्जाम और बाकी जो लोग इंट्रेंस टेस्ट देंगे व्हाट दे हैव टू डू उनका फाइनल सिलेक्शन उनके मेरिट के बेस पे होगा देन उनका इंटरव्यू होगा सो दैट वाज द हर्डल सो एग्जामिनेशन के अंदर भी फाइव परसेंट मार्क्स का रिलैक्सेशन होगा किसको कैटेगरी स्टूडेंट्स को बट एज पर द स्टेट लेजिस्लेशन सो इफ यू आर क्लेमिंग योर कैटेगरी देन यू कैन ऑल्सो टेक द फाइव मार्क्स रिलैक्सेशन अब इंट्रेंस टेस्ट जो होगा दैट कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शंस हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे एंड यू विल गेट वन ट्वेंटी मिनट्स पार्ट ए विल इंक्लूड द रिसर्च मैथडोलॉजी जो आपको पता है सारे लोगों को फिफ्टी एमसीक्यू होंगे वन मार्क्स के सैम्पल पेपर अगर आपको देखना है देन यू कैन विजिट दिस लिंक यू विल गेट द थिंग्स एंड इन पार्ट बी जो आप अपना सब्जेक्ट भरेंगे जो मास्टर्स आपने कर रखा है दैट शुड बी ऑफ दैट सेक्शन नाउ उसके बाद जब आप सक्सेसफुली क्वालिफाई कर लेंगे देन यू हैव टू फेस एन इंटरव्यू वाइवा वॉइस एंड अ प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है सो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल विदाउट विच देर इज ऑफ नो यूज़ टू गो फॉर द इंटरव्यू और वाइवा वॉइस वो आपके डिपार्टमेंट या सेंटर में होगा दैन यू हैव टू कंट्रीब्यूट समथिंग न्यू जो मैं डिस्कस करता हूँ जो हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो अपने मेम्बर्स रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं नोवल रिसर्च प्रपोजल सो इफ़ दैट इज़ नॉट देर नो रिसर्च प्रपोजल दैन ऑल वेज आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया आप टॉप किए जे आर एफ निकाला बट प्रपोजल आपने बिल्कुल थर्ड क्लास दे दिया देन यू विल बी रिजेक्टेड फ्राम दैट सो प्लीज़ बी केयरफुल ईच एंड एवरी स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाओ आपकी मेरिट बनेगी थर्टी परसेंट मार्क्स आपके इंटरव्यू में सेवेंटी परसेंट मार्क्स आपके टेस्ट में टेस्ट नहीं दिया है तो जे आर एफ और मेरिट और इनके बेस पे आपका टोटलिंग होगा देन यू विल बी सेलेक्टेड डी आर सी कमिटी होगी डी आर सी मीटिंग के बाद योर टॉपिक योर गाइड योर कैंडिडेचर विल बी फाइनलाइज एंड यू विल बी रजिस्टर्ड इन द यूनिवर्सिटी एज अ पी एच डी स्कॉलर नाओ द लिस्ट विल बी डिक्लेयर एंड यू विल गेटिंग टाइम टू द फीस फीस कितनी है वो भी आप देख लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी कुछ मेंशन कर रखा है आप आराम से देख सकते हैं अब आ जाओ फीस स्ट्रक्चर पे जो आपको सबमिट करना होगा तो फर्स्ट ईयर में एट द टाइम ऑफ एडमिशन ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इज़ द फर्स्ट टाइम फीस फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग और उसके बाद आपको Uh, जो पी एच डी कोर्स वर्क है विल बी ऑफ वन मंथ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द क्लासेज ऑफ द प्री जब जब प्री पी एच डी के कोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो उसके एक मंथ के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा वो प्रोसेसिंग फीस भी डिडक्ट होगा वन थाउजेंड रुपीज़ इफ यू वॉन्ट टू टेक हॉस्टल रूम रेंट देन यू कैन द चार्जेज विल बी लाइक दैट ओके सो दिस इज़ द ऑल इंफॉर्मेशन स्कॉलरशिप दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं स्किप कर गया बट मैं बताता हूँ स्कॉलरशिप अगर आप नेट नेट और गेट और किसी ऐसी फेलोशिप के थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू एंटर कर रहे हो रजिस्ट्रेशन ले रहे हो फाइनली देन यू वोंट गेट एनी फेलोशिप फ्रॉम द नेट फॉर एग्जाम्पल आप यूजीसी से हो सीएसआईआर से हो देन यूजीसी एंड सीएसआईआर विल वोंट गिव यू एनी अमाउंट यूनिवर्सिटी विल गिव यू बट इफ़ यू विल बी द टॉपर और द टॉप लिस्ट कैंडिडेट इन द प्री पी प्री कोर्स वर्क तो जो पी एच डी कोर्स वर्क होगा उसमें आपको मेरिट में आना होगा दैट मीन्स यू मस्ट बी वेरी एक्टिव अबाउट द वर्क अबाउट द क्लासेज अबाउट योर अटेंडेंस तो अगर आप मेरिट में होंगे देन यू विल गेट द यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप सो प्लीज़ बी एक्टिव अपना टॉपर होइए गोल्ड मेडल लीजिए कुछ भी करिए फेलोशिप लीजिए ओके सो दिस इज़ ऑल अबाउट आई गेस डेट्स याद रखिएगा लास्ट डेट जो है वो है एट्थ ऑफ जून नेक्स्ट मंथ और फोर्टीन को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और नाइनटीन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी वन को एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन हो जाएगा ऑनलाइन होगा तब पता चलेगा ऑफलाइन होगा तब पता चलेगा प्लीज़ बी एक्टिव ऑन द वेबसाइट देन रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा डी आर सी मीटिंग्स भी हो जाएंगी और उसके बाद आपका प्री पी एच डी कोर्स वर्क स्टार्ट हो जाएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट गो थ्रू उदर प्रॉस्पेक्टर्स डो नॉट गेट कन्फ्यूज क्लियर योर डाउट्स बिफोर रजिस्ट्रेशन टू द वेबसाइट ठीक है कुछ भी गलतियाँ मत करना रेक्टिफिकेशन का टाइम हर बार नहीं मिलता है और अपना प्रोफाइल ज़रूर स्ट्रॉन्ग करो अदरवाइज इंटरव्यू आओ में आप पीछे हो जाओगे सो फॉर दैट यू कैन जस्ट जॉइन द मेम्बरशिप ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इफ़ यू हैव एनी डाउट इम्प्रूव योर रिसर्च प्रोफाइल बाई ज्वाइनिंग एज अ मेंबर एंड do all the research activities which you want but your concepts must be clear so thank you so much for watching take care bye bye